वेट। हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज। और अगर आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर हो और खुद की फार्मो मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं हो, सेल्स में हो और कंपनी शुरू करने का तरीका ढूंढ रहे हो स्टेप बाय स्टेप, एकदम से आप इतने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो भी आप इससे बहुत कुछ ले सकते हो। और अगर आप फार्मा कंपनी हो और आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे खुद के ब्रांड लॉन्च करने के लिए कह रहा है तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो कि कब उसको खुद के ब्रांड लॉन्च करने चाहिए और कब उसको खुद के ब्रांड लॉन्च नहीं करने चाहिए, किन कंडीशंस में खुद के ब्रांड लॉन्च करना अच्छा रहता है कि आप खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी चला सको, और किन कंडीशंस में आपको अभी अपने ब्रांड लॉन्च करना अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको खुद के ब्रांड लॉन्च नहीं करने चाहिए, लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन में हो या नहीं हो कि आप खुद की मार्केटिंग कंपनी अभी चला सकते हो या नहीं चला सकते हो। सबसे पहले एक स्टोरी सुनाता हूं, आज से तकरीबन 10 साल पहले की होगी। मेरा एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं फार्मा कंपनी में काम करता था, उसके साथ मेरे एक अच्छे रिलेशनशिप थे। और उसको एक बार लगा कि उसको खुद की अपने खुद के ब्रांड लॉन्च करने चाहिए, खुद की मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहिए। तो उसने मेरे से बात करी, उस वक्त मैंने कहा चलो मैं करा देता हूं आपका और हम उसमें प्रोसीड कर लेते हैं, आप मेरे को दे देना, मैं आपकी थर्ड पार्टी करा देता हूं। लेकिन क्या हुआ कि उसको लगा कि यार ये लड़का अभी छोटा है, इसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, और सही कहूं तो उस वक्त मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी उन चीजों की, और मैं अपने आप को उस काबिल भी नहीं मानता था, लेकिन अगर उसने कहा तो मैं उस स्टेप में जा सकता था। फिर उन्होंने उन प्रोडक्ट को कहीं और से बनवाया, तो वहां से एक्चुअली क्या है कि वो हमारा बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था और एक अच्छी खासी सेल वो देता था। जब फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिस्ट्रीब्यूटर मंथली आपको 2 या 3 लाख रुपए की सेल दे रहा हो तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। एक ही डिस्ट्रीब्यूटर एक डिस्ट्रिक्ट से, छोटे से डिस्ट्रिक्ट से अगर आपको 2-3 लाख रुपए की सेल दे रहा है तो वो काफी मायने रखता है। तो जब वो 2 लाख रुपए की सेल दे रहा था, अगर आप ईयर की कैलकुलेशन करते हो तो वो 24 लाख, 25 लाख, 30 लाख के आसपास जा सकती है, थोड़ा कम ज्यादा अगर वो देता है तो मेरे हिसाब से भी उसके लिए वो फैसला सही था, उसके हिसाब से भी वो फैसला सही था, क्योंकि उसको लगता था कि 25-30 हजार पे मैं इन कंपनी को दे रहा हूँ, 2-3 कंपनियों का और काम करता था तो टोटली उसका जो ईयर का टर्नओवर था परचेज का जो सेल करता था, सेल तो चलो वो जितने में भी करता था वो अलग बात थी, मतलब वो साल में 50 लाख की 60 लाख रुपए की परचेज कर लेता था, 4-5 लाख रुपए की मंथली बेसिस पे वो परचेज कर लेता था जो उसकी एवरेज आती थी। तो उसको लगा कि उसको खुद की मार्केटिंग कंपनी शुरू करनी है, और वो डिसीजन गलत भी नहीं था, उस लेवल पे वो कर सकता था, उसके पास एक बहुत अच्छी मार्केट थी, वहां पे डॉक्टर भी जानकार थे, हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थे उसके, जो भी था। लेकिन फिर भी उसने अपनी मार्केटिंग कंपनी को फेल कर लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा कि आपको किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए अगर आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहते हो। उसके बाद मैंने बहुत डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने समझाया कि अभी टाइम नहीं है, और अगर उनको करना है तो उनको स्टेप बाय स्टेप करना है, एकदम से बड़ा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जो काम उसने किया उसने अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी को तो फेल किया ही किया, साथ के साथ उसने अपनी फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन को भी खत्म कर लिया। और अब उसको अभी कुछ टाइम पहले बात हुई थी तो माल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता, उसकी पेमेंट बहुत खराब हो चुकी है और बिना पेमेंट के उसको कोई माल देने के लिए तैयार नहीं रहता, तो बड़ा रिस्की रहता है। देखो गलत नहीं है, आपको करना चाहिए, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका हाल भी उसके जैसा ही होगा। नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे साथ आज भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, और कभी वो आते हैं, मैं फार्मा का काम नहीं करता, आयुर्वेदिक में करता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी वो करनाल आते हैं अपनी फार्मा कंपनियों से मिलने के लिए तो मेरे पास जरूर आते हैं। तो जो सबसे पहले मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, इस वीडियो में मैं केवल उन्हीं से सारे एग्जाम्पल उठा के, उन्हीं से सारे शिक्षाएं उठा के रख रहा हूं, किन्हीं और की भी रखूंगा कभी ना कभी, इस वीडियो में मैं केवल उन्होंने जो मिस्टेक करी है और आप ना करें उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। जो सबसे पहले मिस्टेक कि सारे प्रोडक्ट कभी भी एक बार में लॉन्च मत करिए। क्या होता है कि जब हम मार्केटिंग कंपनी लॉन्च करते हैं, या जो फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि फ्रेंचाइजी में आप
पांच बॉक्स ले सकते हो, किसी प्रोडक्ट के 10 बॉक्स ले सकते हो, 50 पीस ले सकते हो, 100 पीस ले सकते हो, तो 15-20 हजार में आपकी पूरी की पूरी रेंज कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी कंपनी के पास 100-150 प्रोडक्ट है और आप हद मार के 10 या 15 प्रोडक्ट पे ही काम कर पाओगे, इससे ज्यादा पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ज्यादा पे भी कर पाओगे लेकिन फिर भी 10-15 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट किसी भी लिस्ट से बहुत इनफ होते हैं। हद मार के चलो आप, मैं मानता हूँ 50 प्रोडक्ट पे आप काम करते हो, थोड़ा थोड़ा भी लेते हो, चलो 50,000 में आपके 50 प्रोडक्ट की या 60 प्रोडक्ट की जो इस रेंज पे आप काम कर रहे हो वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब आप मार्केटिंग कंपनी में आते हो तो 50 प्रोडक्ट की रेंज को आपको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 15-20 लाख रुपए चाहिए, ज्यादा ही आपको चाहिए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, आपके प्रोडक्ट के रेट पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, अगर आप पैरासीटामोल या सस्ते प्रोडक्ट में जाओगे तो वो बहुत सारे आ जाएंगे थोड़ी अमाउंट में, लेकिन अगर आप हायर एंटीबायोटिक में जाओगे या महंगे प्रोडक्ट में जाओगे तो वो बड़ी अमाउंट में एक या दो ही आएंगे, तो वो उस चीज पे डिपेंड करता है। तो क्या है कि सारे प्रोडक्ट कभी भी एक बारी में लॉन्च मत करिए आप, नहीं तो देखो जब आप थर्ड पार्टी पे जाओगे सारे पेमेंट आपको एडवांस देनी पड़ेगी। हो सकता है अभी आपको फ्रेंचाइजी कंपनियों से क्रेडिट मिल रहा हो, काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके हो गए हो, तो सारे के सारे जब ब्रांड पे आप पैसा लगाना शुरू करोगे तो एक साथ तो वो चल ही नहीं जाएंगे सारे के सारे, कि आपने 50 प्रोडक्ट बनवा लिए और वो क्वांटिटी भी ज्यादा आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 50 पीस या 100 पीस वहां पे लेने हैं, वहां पे तो 1000 पीस, 2000 पीस, 500 बॉक्स, 1000 बॉक्स ऐसे ऐसे करके आएंगे तो आपके बहुत पैसा वहां पे लग जाएगा। और जैसे ही आपने बहुत ज्यादा अमाउंट वहां पे फंसा ली तो स्टॉक तो आपके पास बहुत खट्टा हो जाएगा, लेकिन उसको निकलने में पहले आप नए प्रोडक्ट को निकालने के लिए, चाहे आपकी कितनी बड़ी मार्केट हो, आपको वहां पे 6 महीने या साल तो लग ही जाएगा अगर आपको 2000 या 3000 पीस किसी नए प्रोडक्ट के चलाने हैं, क्योंकि पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, उसको कन्वेंस करोगे, फिर रिजल्ट आए या ना आए ये भी तो बहुत बड़ा मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं फिर आप एकदम से प्रोडक्ट लॉन्च कर लो तो आपको जो कंपनियों को पैसा देना वो कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब हो जाए, उधर भी आपका क्रेडिट बढ़ता रहे, 1-2 महीने तो चलो आपको गुडविल पे माल मिल भी जाए लेकिन फिर कहां से लोगे आप, तो वो वहां पे डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने सारा का सारा पैसा एकदम से अपने प्रोडक्ट में लॉन्च कर लिया। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जो उनके ज्यादा प्रोडक्ट चलते थे वो उनके पास आए नहीं, और जो उनके कम प्रोडक्ट चलते थे वो बड़ी क्वांटिटी में उनके पास आ गए, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे एक ही साथ 15-20 प्रोडक्ट दोगे तो वो तो फिर सामने वाली कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसका बैच कौन सा चल रहा है, तो वो पहले कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचता है। तो पहले आप सिलेक्टेड उन प्रोडक्ट पे 1 या 2 प्रोडक्ट से काम करिए, उसे एक तो आप फाइनेंशियली नहीं फंसोगे और दूसरा जो आपके ज्यादा चलते हैं वही आएगा क्योंकि आपने ऑर्डर उन्हीं का दिया है। जब आप 20-25 प्रोडक्ट दोगे तो हो सकता है कि पहले वो प्रोडक्ट आ जाए जो के चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ, उनके वो प्रोडक्ट पहले आ गए जो उनके बहुत कम चलते थे। और क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट उनके ज्यादा चलते थे जैसे रेविप्राजोल वगैरह, डोमपेरिडोन, डीएसआर में उनका ज्यादा चलता था, वो आया ही नहीं 6 महीने तक, वो 6 महीने के बाद आया। क्योंकि ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग से बहुत सारी चीजें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये रास्ता अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होता, तो बड़ी सावधानी से आपको यहाँ पे चलना है, एक छोटी सी भी गलती बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो आपको सिलेक्टेड प्रोडक्ट से शुरू करिए तभी आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ सारे प्रोडक्ट कर दो, नहीं तो आप अपने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन को भी खराब कर दोगे, क्योंकि अभी तो इनकम वहीं से आ रही है आपकी। जब आप कंपनी को चलाओगे, एस्टैब्लिश करोगे, 3-4 साल तो आपको फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन से ही कमाना है, और ऐसा नहीं है कि वो आप छोड़ दो, उसको भी साथ के साथ ही रखो आप, क्योंकि अगले पॉइंट में मैं वही बात करूंगा। तो सेकंड नंबर पे बात करता हूं कि दोनों को साथ लेके चलिए। क्या होता है कि क्या किया फिर, जब ज्यादा प्रोडक्ट आ गए, मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट आ गए, तो अब प्रेशर आ गया उनके पास कि अब उनको अपने ब्रांड बेचने हैं, नहीं तो वो एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि फार्मा में तो पहले दिन से ही एक्सपायरी शुरू हो जाती है, 2 साल की एक्सपायरी सारी होती है, 2-3 महीने तो इंट्रोड्यूस कराने में लग जाते हैं, इतना वो मार्केट में जाने लग जाते हैं, 6-7 महीने चले जाते हैं, और साल के बाद तो वैसे भी वो शॉर्ट एक्सपायरी में आना शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ कि जैसे अब क्या हुआ, अपना प्रोडक्ट सारे आ गए तो अब उनको बेचने का प्रेशर, उनको बेचने का प्रेशर तो पेमेंट का प्रेशर तो पहले ही है, फार्मा कंपनी की पेमेंट रोक ली, सारी कंपनियों की पेमेंटें रोक ली, अब उनको कर रहे हैं अब 1-2 प्रोडक्ट निकलना शुरू हुआ, अब कुछ पेमेंट का कलेक्शन हुआ जैसे ही, क्योंकि अब उसके लिए फिर वो जो प्रोडक्ट खत्म होने लग रहे हैं तो उनको भी थर्ड पार्टी दोबारा मैन्युफैक्चरिंग कराना है, तो पेमेंट का प्रेशर उधर, जो माल चल रहा है उसको भी मार्केट से डिमांड आना शुरू होगा,
तो पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो माल कंपनियां नहीं दे रही है, तो क्या है कि चारों तरफ से फंस गए। अब जो खुद के ब्रांड भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि एक बार रोका तो फिर वो शॉर्ट हो जाएगा, वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको पुश कर रहे हैं। और उधर से कंपनियों से माल मंगाए तो पेमेंट मांगे, पेमेंट नहीं है तो माल ना आए, अब फ्रेंचाइजी काम भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। और उधर से अपना वो थोड़ा थोड़ा कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट चलने लग रहे हैं, कुछ एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां से भी प्रेशर आना शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि अब जब चारों तरफ से गलत होना शुरू हो जाता है तो फिर पता नहीं क्या क्या गलत होना शुरू हो जाता है। ऐसी होती है बिजनेस की गेम, मेरी भी आज तक समझ में नहीं आई, ट्राई करता हूँ सोचने की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है। जब एक चीज गलत होने लग जाती है तो फिर सारे रास्ते ही गलत होने शुरू हो जाते हैं, जब एक चीज सही होने लग जाती है तो फिर हर चीज, अब गलत भी डिसीजन लोगे वो भी आपके लिए सही होना शुरू हो जाता है, तो सारी चीजें गलत होने शुरू होगी। तो आपको दोनों को साथ लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोडक्ट से एक दो प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, फिर आप फाइनेंशियली ट्रबल में नहीं फंसोगे। तो फिर क्या होगा कि आप फाइनेंशियली ट्रबल में नहीं फंसोगे तो कंपनियों की पेमेंट भी आप टाइम से दे रहे हो, तो आपके पास जो रिपीट में डिमांड आ रही है तो उसको भी आप टाइमली पूरा कर रहे हो, और आपके पास अननेसेसरी प्रोडक्ट नहीं आया, आपके पास एक ही दो प्रोडक्ट आया, आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास ज्यादा प्रेशर नहीं है अपने प्रोडक्टों को धकेलने का क्योंकि वो एक्सपायर हो रहे हैं, वो बड़ी क्वांटिटी में आपके पास पड़े हैं, हाँ आराम आराम से आप उसको चल रहे हो, आपने वही लॉन्च किया है ना जो आपका ज्यादा चलता है। तो अगर आपके फ्रेंचाइजी में किसी चीज के 100 बॉक्सेज चलते हैं, महीने में 200 बॉक्सेज चलते हैं, तो हो सकता है कि आपने 50 बॉक्सेज वहां से कम करके अपने 50 जहां पे आप प्रेशराइज कर सकते हो वहां पे देने की कोशिश करें, वो 200 की जगह 150 हो गए, 50 बॉक्स वो चलने लगे तो 50 बॉक्स की भी एवरेज आती है, तो 500 बॉक्स आपके फिर भी साल में निकल जाते हैं, तो आपके पास थोड़ा आप वहां पे रिलीफ फील करेंगे। जैसे ही फिर आप फाइनेंशियली फिर आप थोड़े से खुले हो जाओगे 2-3 महीने में, क्योंकि देखो क्या होगा कि पहला बैच के बाद जब आपको दूसरा बैच बनाना पड़ेगा ना उसी प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट का जो आपने थर्ड पार्टी बनाया, तब भी आप पे फाइनेंशियली प्रेशर आएगा। तो जब आपका प्रेशर, उसके बाद जब आपका प्रेशर रिलीज होगा तो तब आपको कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर आपका सर्कुलेशन घूमना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो आपसे आराम आराम से आप उसको सीख जाओगे कि कैसे कब आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो दोनों को साथ चलाना है, ऐसा नहीं है कि फिर आप फ्रेंचाइजी कंपनियों का पैसा रोक लो, वो आपका माल रोक ले, तो जो आपने मार्केट 3-4 साल में एस्टेब्लिश करी है वो तो साथ के साथ ही खत्म हो जाएगी, वहां से जो आपका पैसा आ रहा था वो खत्म हो जाएगा, इधर से आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो फिर तो चीजें उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, फिर तो आपको लगेगा कि यार बस सारी चीजें ही गलत होनी शुरू हो गई है। तो बड़े ध्यान से आपको यहाँ पे तीसरे पॉइंट में बात करता हूं कि जिस फ्रेंचाइजी कंपनी के साथ, जिन फ्रेंचाइजी कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हो ना, आपको उन्हीं से प्रोडक्ट बनवाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका रीजन मैं देता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बिना किसी चीज के बता रहा हूं। देखो, एक तो आप उसके पहले से ही कस्टमर हो, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरा आपको उनकी क्वालिटी पे भी यकीन है क्योंकि आप उनके चला रहे हो तो आपको पता है कि उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो ये दो रीजन बहुत है मेरी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि आपको उन्हीं के साथ काम करने की कोशिश सबसे पहले क्यों करनी चाहिए। देखो, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है, अगर आप एक अच्छे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप अच्छे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर की मेरे हिसाब से जो क्वालिफिकेशन है वो पेमेंट टर्म में है। अगर आप अच्छी पेमेंट दे रहे हो और आपकी जो ऑर्डर वैल्यू है वो भी अच्छी है, तो एक आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर में आते हो। तो अगर आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हो और अच्छा आप सेल दे रहे हो कंपनी को, तो कोई भी कंपनी आपको मना नहीं करेगी आपका ब्रांड बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको उन्हीं से कोशिश करनी चाहिए कि आप उन्हीं से अपने ब्रांड बनवाने की कोशिश करो, क्योंकि एक तो आपको क्वालिटी पे यकीन है और दूसरा आप पहले ही ऑलरेडी उनके कस्टमर हो, तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर का जो रिगार्ड होता है वो आपको वहां पे मिलेगा। और दूसरा, आप उनको बोल सकते हो कि जैसा प्रोडक्ट वो पहले ले रहे हैं सेम वही प्रोडक्ट आपको बना के दे। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे ये भी आ जाती है कि आपको उन्हीं के साथ मोस्टली काम करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उनकी क्वालिटी पे यकीन है, उनकी सर्विसेज पे यकीन है, अगर आपको उनकी क्वालिटी और सर्विसेज पे यकीन नहीं है तो अलग बात है, फिर आप कोई और ढूंढ सकते हो। लेकिन पहले आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप उनके साथ काम करो, क्योंकि आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। देखो, रेट हो सकता है कि आपको थोड़े महंगे मिले मार्केट में, और उसे सस्ते आपको मिल सकता है क्योंकि आप उनके कस्टमर नहीं हो और आपको कस्टमर तोड़ने के लिए वो उनके साथ काम करना शुरू करे या काम करना चाहे, लेकिन फिर भी आपको उन्हीं के साथ मेनली पहले प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए अगर आपको उनकी क्वालिटी पे और सर्विसेज पे यकीन है। तो जो फोर्थ नंबर पे बात करता हूं वो है अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना।
फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना क्यों जरूरी है? देखो, मैंने जिस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ उसकी इनकम बहुत थी, फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत कमाता था, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। लेकिन कुछ फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं कि जब उनकी इनकम 20,000, 25,000 या 30,000 रुपए मंथली ही पहुंचती है ना, तभी वो ये चीजों के रट लगाने शुरू कर देते हैं कि मेरे को खुद के ब्रांड लाने, खुद की मार्केटिंग कंपनी करनी करनी है, खुद का ये करना है। तो वो गलती आप मत करना। जब वो वहां पे कामयाब नहीं हो सका तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि क्या है कि एक तो आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन से मेरा मतलब यहां पे ये है कि आपको ये कैलकुलेट करना है पहला एक या दो प्रोडक्ट बनवाते वक्त भी कि जो आपका पैसा एक या दो प्रोडक्ट के लिए निकल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके जो पहले आप परचेज कर रहे हो जिन कंपनियों की आपको पेमेंट देनी है उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। कभी ऐसा नहीं है कि आपकी 20,000 या 30,000 रुपए की मंथली इनकम है और आपने प्रोडक्ट बनवा दिया लाख रुपए का एक ही प्रोडक्ट की। भाई अजय जी ने तो कहा था कि एक दो प्रोडक्ट से आप शुरू कर सकते हो, लेकिन मैंने तो इसलिए एक दो प्रोडक्ट बनवा लिया और फिर भी मैं फेल हो गया। देखो, फेल तो हो सकता है, मेरे स्टेप मानने से गारंटी तो नहीं है कि आप कामयाबी होंगे, लेकिन फिर भी मैं तो जो मेरे को दूसरों से एक्सपीरियंस मिलता है या खुद के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर सकता हूं, ताकि आप तो पूरी कैलकुलेटेड वे में चल सको और आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए वहां पे। तो आपने कहा था जी कि आप एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर लो और आपने तो एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, लेकिन आपकी इनकम तो 30,000 रुपए की है महीने की और आपने लाख रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, तो आपका भी उन्हीं के जैसा हाल होने वाला है। तो कैलकुलेशन क्या करनी है, अगर आप महीने में 30,000 रुपए कमाते हो और 15,000 में आप अपने खर्चे निकाल सकते हो, अपनी फैमिली के खर्चे निकाल सकते हो, तो जो बचा हुआ 15,000 है उससे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तब जाके आप सर्वाइवल के आपके चांसेस बढ़ेंगे, तब जाके आपके फाइनेंशियल ट्रबल में ना फंसने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये चीजें भी आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना भी बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप खुद के ब्रांड शुरू करना चाहते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, किसी दिन और भी पॉइंटों की बात करूंगा, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर का लेके आऊंगा, क्योंकि मैं किसी बड़े ब्रांड की अभी केस स्टडी नहीं करना चाहता। मेरे को लगता है कि बड़े ब्रांडों की केस स्टडी हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं रहती, क्योंकि वो बड़े लेवल पे जाके फेल हुए और अभी तो हमें शुरू करना है, हमें वो गलती अवॉइड करनी है जो स्टार्टिंग लेवल में होती है। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर और थोड़े थोड़े बिजनेस की केस स्टडी करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि उनके नाम डिस्क्लोज ना करूं, लेकिन जो मैंने यहां पे आपको बताए हैं पॉइंट वो बिल्कुल रियलिटी में मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुए हैं, और मैं यही कोशिश करूंगा कि आप वो चीज अवॉइड करो, वो चीज ना करो, ताकि आप तो अपने बिजनेस को सफल कर पाओ। ऐसा नहीं हो कि आपने 3-4 साल 5 साल मेहनत करी खुद के काम में और फिर असफल हो जाओ, तो फिर आप जॉब की तरफ के भी नहीं रहोगे और बिजनेस की तरफ भी नहीं रहोगे, तो फिर आप स्ट्रगल ही करते रहोगे। तो बिजनेस उतना आसान नहीं है, उतना कुल नहीं है जितना लगता है, यहाँ पे स्ट्रगल है, यहाँ पे कैलकुलेशंस है, तो बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए और मजा आता है। मेरे को भी बिजनेस में मजा आता है, जब से आया हूं बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, स्पेद होने शुरू हो जाते हैं, दिमाग से हंसी उड़ जाती है। कॉलेज में मैं बहुत हंसता था और अब बहुत सालों के बाद अब मैंने दोबारा फिर अपने चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मुस्कुराना बहुत जरूरी होता है, हंसना बहुत जरूरी होता है, लेकिन गलतियों को अवॉइड करना भी बड़ा जरूरी होता है। तो इन छोटी छोटी केस स्टडियों को और लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।